हेलो फ्रेंड्स, ज्योति गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पिटूनिया के बारे में बताऊंगी। पिटूनिया की केयर के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरी वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको इसकी फुल नॉलेज चाहते हैं। तो अगर हम पिटूनिया के बारे में पूरी बातों को जान लेंगे तो हम इसकी अच्छे से केयर कर सकेंगे और पिटूनिया में बहुत सारे फूल पा सकेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगी कि अगर आप नर्सरी से पॉलिथीन में लाते हैं और जब उसे लगाते हैं तो आप उसकी रूट के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। बिल्कुल आप उसे ऐसा का ऐसा पॉलिथीन से निकाल कर उसे आप किसी भी पॉट में लगा दीजिए। वैसे मैंने पिटूनिया को पॉट में कैसे लगाएं इसका एक वीडियो पहले से ही डाला हुआ है, अगर आप वो देखना चाहें तो वो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आप नर्सरी से जब पिटूनिया की को पॉलिथीन में लेकर आते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गहरा है और आपका पॉट छोटा है तो आप उसको ऊपर से तो मत छेड़ें, नीचे से उसकी हल्की सी मिट्टी हटाकर आप उसको पॉट में लगा दें तो आपके पिटूनिया को कुछ नहीं होगा। अगर लेकिन आपने उसे ज़्यादा छेड़छाड़ कर दी तो पिटूनिया आपका मर जाएगा। ये पिटूनिया जो है ये कोई परमानेंट प्लांट नहीं है, ये सीजनल प्लांट होता है, इसलिए इसको बिल्कुल आप केयर करनी पड़ती है। पिटूनिया की जो आपने मिट्टी बनानी है वो बिल्कुल भुरभुरी सी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत सख्त मिट्टी हो। आपको बिल्कुल सैंड वगैरह मिक्स करके अच्छी सी भुरभुरी मिट्टी बनानी है और वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि पिटूनिया में हमें पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो ये प्लांट मर जाएगा। इसे कम पानी की ज़रूरत होती है। आप इसे एक बार अच्छे से पानी दें और उसके बाद जब तक ये पूरा ऊपर से इसकी सरफेस ड्राई ना हो जाए तब तक आप इसे दोबारा पानी मत दें। इसकी मिट्टी ऐसी बनाएं जिसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा सैंड लेंगे और इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप जो है कंपोस्ट को थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे, देखिए आप मेरे प्लांट पे फ्लावर आ रहे हैं, इतनी फ्लावरिंग ये तभी देता है जब इसे कंपोस्ट मिलती रहे, नहीं तो इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होगी। एक इसके आप जो भी स्पेंट फ्लावर होते हैं, जैसे कि आपका मुरझा गया है फूल, इसे आप तोड़ते रहें, यानी कि इसमें लगा रहने दें, ऐसे करके आप इसे निकाल दें तो भी ये सही रहता है। तो इसके नीचे और भी ज़्यादा फ्लावर बड्स बनती रहती हैं और फिर ये बुशी होता जाता है। पिटूनिया जो है हैवी फीडर होते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे फ्लावर एक साथ देता है, तो इसको कंपोस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप इसमें DAP भी यूज़ कर सकते हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप DAP को बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। जैसे कि ये जितना बड़ा हमारा ये है जिसमें ये पिटूनिया लगा हुआ है, इसमें आप बस चार एक दाने, तीन चार दाने ही आप DAP दें। इससे ज़्यादा देंगे तो ये प्लांट मर जाएगा। आप इसे हर हफ्ते लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। दूसरी बात, इन्हें ऐसी जगह लगाना है जहाँ पर कम से कम 6-7 घंटे की धूप आती हो, तभी ये पौधे अच्छे फ्लावरिंग करते हैं, नहीं तो इसमें फ्लावर तो आएंगे नहीं, बस इसके जो लीव्स हैं यही बढ़ती रहेंगी और ये बूशी होता रहेगा, फ्लावर नहीं देगा। इसलिए इसको जो है 6-7 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए। इस प्लांट को मैं नर्सरी से लाई थी, जब मैं इसे नर्सरी से लाई थी तो इस पर सिर्फ एक फ्लावर था। अब आप देखिए जब मैंने इसकी केयर अच्छे से करी है तो इस पर कितने सारे फ्लावर आप देख सकते हैं, ये देखिए, और मैंने इसकी वीडियो में भी आपको दिखाया हुआ है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड बाय। ऐसी ही वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।